Okay, let us discuss 24C exercise. Your first question is you have to complete this table and as well as you have to draw the linear graph. So first of all, complete this table. So how will you complete it? As you can see, 1 pe 7 hai, 2 pe 14 hai, hai na? So ye iska 7 times ho raha hai. इंटू सेवन हो रहा है ना, देखो इंटू सेवन, इसका मतलब ये इंटू सेवन होगा, सेवन फोर 28 और ये ऊपर डिवाइड होगा, सेवन डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1, सो 24 डिवाइडेड बाय 7 इज 3, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5, तो टेबल तो कंप्लीट हो गया है ना. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक द लीनियर ग्राफ. एज क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैं नेगेटिव और नीचे और लेफ्ट साइड की नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करूंगा आपको. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग ऑन दी पॉजिटिव वैल्यूज. एक्स की वैल्यू जा रही है 5 तक, 3, 4, 5. वाई की वैल्यू है 35 तक. तो आप क्या करोगे बच्चे यहाँ पे, अगर इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 तो ये तो बहुत लेंथी तक ऊपर तक चला जाएगा. तो इट्स बेटर यू विल टेक द टेबल ऑफ 7. ठीक है, तो 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 बहुत है. दिस इज योर एक्स एक्सिस. ये एक्सिस थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, इसको थोड़ी स्ट्रेट कर. ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, 5. Right? Now, look at the points. This is your x-axis, this is your y-axis. For 1 pe 7 hai, to 1 pe 7, ye rao. This is your first point. 2 pe 14 hai, to ye to bahut hi simple hai. 3 pe 21 hai. 4 pe 28 है और 5 पे 35 है ना. ऐसे पॉइंट लोकेट करके सभी को ज्वाइन कर दो. ये सारे एक ही पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लोकेट होंगे, इजी है ना. तो यहां पे आपने मेंशन जरूर करना है अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल है, 7 के. 1 यूनिट इज इक्वल टू 7. ये क्या है, हमारे पास गिवन तो है नहीं ये, तो बस आप 7 लिख दो. ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास गिवन नहीं के व्हाट आर दीज वैल्यूज. तो इन दिस वे यू विल ड्रॉ द लीनियर ग्राफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. राइट, सो सिमिलरली नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड वन. राइट, तो बच्चे सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है और वी हैव टू इसमें क्या आएगा, पहले तो नोट ये करना है, देन वी हैव टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ. नाउ इफ एक्स इज 0, अगर मैं एक्स की वैल्यू इसमें 0 पुट करूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 0 = 0, तो वाई की वैल्यू आएगी 0. अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो इसमें y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1 = 3, तो 3 आएगी. अगर 3 पुट करो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3 यानी कि 9 आएगी, है ना. तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए. पहला कोऑर्डिनेट है 0, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है. फिर कोऑर्डिनेट आ गया 1, 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3. फिर कोऑर्डिनेट आ गया 3, 9. तो बस इनको हमने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है. ठीक है ना, तो सिंपल है. पहले 0, 0 तो यही हो गया, 1, 2, 3, 4 ऊपर 9 तक जा रहा है. तो इधर यू कैन टेक अ स्केल ऑफ 3 और यू कैन सिंपली राइट डाउन 1, 2, 3. चाहे आप स्केल ले लो, 1, 2, 3 का टेबल ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
तो ये काफी ऊपर तक जाएगा नो डाउट। अगर मैं इसको वन का टेबल लेके करूं फिर देखते हैं कितना आता है, ठीक है। लेट अस सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम्हारा 9 तक कितना ना 0.0 तो यही पॉइंट आ गया, ठीक है। आ गया 1.3, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया 1.3। नेक्स्ट है 3.9, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 9, तो 5 6 7 8 9 ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया। इनको ज्वाइन कर दो, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी कि कर्व बनेगा। कहीं कई क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कईयों में स्ट्रेट लाइन बनती है, कईयों में कर्व भी बनता है। तो याद रखना, जिसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पावर 1 है वहां पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर इन दोनों में कहीं भी पावर 2 आ गई, किसी की डिग्री 2 आ गई, है ना, एक्स की वैल्यू स्क्वायर आ गई या वाई की वैल्यू स्क्वायर आ गई, फिर वो एक कर्व बनेगा। क्यूब में भी कर्व जैसे ही बनता है, उल्टा सीधा कर्व बनता है क्यूब में, ठीक है। तो ये फर्क पता लग गया ना। तो सिमिलरली बच्चे सेकंड पार्ट आप खुद कर लो, थर्ड पार्ट में भी यही है, सेम है। ऑब्जर्व द ग्राफ फर्स्ट फिगर, व्हाट राइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, हमने बस ऑब्जर्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू। ये देखिए एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, यू हैव टू फिल द वैल्यू ऑफ वाई और उनका रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में बस यही लिख दो आप के दे एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज द वाई इज ऑल्सो इंक्रीजेज, तो ये रिलेशन बनता है। फोर्थ में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 3 का मल्टीपल का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपको बता देता हूँ। सो बच्चे फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है ना, तो 1 1 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, क्योंकि हमें x की और y की दोनों चाहिए ना, तभी ग्राफ ड्रा होगा। तो ऐसे होगा, देखो मल्टीपल ऑफ 3 यही होते हैं, तो 3 1 3, तो ग्राफ पेपर लो और यहाँ पे लिखो, क्योंकि ये तो एटलेस है, हमने 10 तक नहीं लिखना 3 का टेबल, मतलब तो हम सिर्फ 3 4 और 5 तक लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है 1.3, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3, चाहे आप इसके ऊपर लिख लीजिए 3 का टेबल ही लिख लो, क्योंकि अगर आप 1 2 3 लिखोगे फिर बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये तो है तो लीनियर ग्राफ ही है ना। तो 1.3 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। 2.6 हो गया ये पॉइंट, आ गया 3.9, फिर 4.12, फिर 5.15, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ऐसे ये एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, इजी है। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यू हैव गिवन द फिगर्स एंड यू नीड टू ड्रॉ द सिंपल, शो इट इन द ग्राफ पेपर। तो सेम यही कर लो, चाहे ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लो, यू हैव गिवन द टेबल। टेबल में फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, टेबल यू हैव गिवन शुगर इन केजी, दैट इज इन केजी में गिवन है 2589 और नीचे गिवन है कॉस्ट इन रुपीस, कॉस्ट है नीचे, ऊपर शुगर है क्वांटिटी केजी में, ठीक है। और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, सो सिंपल है, वैसे सेम जैसे हमने पहले किया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई की वैल्यू आ गई, बस इसमें ये फर्क है कि वाई की वैल्यू थोड़ी लार्ज है और इसमें हमने इसका स्केल लेके करना है, फिर ये इजी हो जाएगा।
तो आप कह रहे हो सारे पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव तो शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में तो 1, 2, 3 ले लो, क्योंकि ये 2 से लेकर 9 तक जा रहा है ना। एक्स एक्सिस में तो 1, 2, 3 ही लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जा रहा है ना। और इसमें देखो आप बच्चे, ये 70 का अगर टेबल ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी उसके आसपास हो जाएगा। अगर आप 100 से करना चाहते हो 100 से कर सकते हो, क्योंकि उसे लोकेट करना पॉइंट इजी हो जाता है 100 से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए 100, सेकंड पॉइंट 200, देन 300, बस 300 से थोड़ा ज़्यादा है तो 400 तक लिख लीजिए। तो यहाँ पे मेंशन जरूर करना है स्केल में अलोंग वाई एक्सिस, ये ग्राफ बनाने का सबसे मतलब एक मेथड है। 1 यूनिट है ये, मतलब ये क्या है, दिस इज द कॉस्ट इन रुपीस, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन केजी, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन केजी, ये इधर जा रही है ना। तो ये चीजें लिखने बहुत जरूरी है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है 2, 70, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 70 है। एज यू नो इसके सब पॉइंट्स होते हैं 10 होते हैं ना, तो जो 7th पॉइंट है वो आपका 70 होगा। तो 2, 70 आपका ये पॉइंट आ गया 2, 70, समझ गए। नेक्स्ट है 5, 175, 5 ले रहा और 170 कहाँ होगा, 150 और 200 के बीच, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 2, 5, 175। थर्ड पॉइंट आपका 8, 280, तो ये 8 है 280, ये रहा 250 और 300 के बीच होगा ऑलमोस्ट। आपको इतना मतलब क्लोज आने की जरूरत नहीं है, बस आपने आइडिया लगाना है कि कहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके में बीच सिर्फ 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 सब पॉइंट्स होते हैं। तो जो हाफ है दैट इज विल रिप्रेजेंट 50, और 50 और 300 के बीच 75 आता है, तो उससे हल्का सा ऊपर जाना है। तो इट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 8, 280 और लास्ट वन है 9, 315। तो 315 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो एज यू नो ये भी एक लीनियर ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है ग्राफ में। तो दिस इज अ राइट मेथड टू ड्रॉ ग्राफ, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ द अमाउंट नीडेड टू बाय 3.5 केजी ऑफ शुगर। अब अगर 3.5 केजी शुगर है तो उसमें कितनी वैल्यू आएगी y एक्सिस में, तो इधर आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है, मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर ही 3.5 ले रहा तो इधर आप y एक्सिस में जाइए आप, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये कितनी अमाउंट होगी, कितनी कॉस्ट होगी इसकी, तो आप देख सकते हो इट इज नियर अबाउट 125। तो 3.5 में जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसका आंसर आ रहा है द कॉस्ट ऑफ 3.5 केजी ऑफ शुगर इज इक्वल टू रुपीज 125, क्योंकि कॉस्ट आपको रुपीज में गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ केजी ऑफ शुगर, किलोग्राम ऑफ शुगर दैट कैन बी ब्रॉट फॉर 262 रुपीज। अब 262 रुपीज, ये 2 कितना था 280, तो 280 और 250 के बीच होगा 260 के अगर बीच क्या रहा है, कितने रुपीस की सॉरी कितने केजी आपको शुगर मिलेगी। तो ये पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट 7.8 के करीब आ रहा है। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर ही पता लग गया एग्जैक्ट कितना है, ये तो मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे सेकंड पार्ट में कि इट इज नियर अबाउट जो भी एक ग्राफ पेपर में आएगा, तो मेरा तो आ रहा है ये 7.8 के 7.8 केजी
kg of sugar will buy of rupees 262.5. ठीक है, तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन करना है. नाउ यू विल वी विल डिस्कस सिक्स क्वेश्चन, राइट? तो बच्चे लेट अस डिस्कस सिक्स क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10.5% पर है. ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सम डिपॉजिट मनी विद सिंपल इंटरेस्ट. मतलब इन दोनों के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और हमने अपनी तरफ से लिख ली कि सपोज उसने 1000 रुपीज़ करवाए तो फिर कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, अगर 2000 करवाए फिर कितना मिलेगा, अगर 3000 करवाए तो कितना मिलेगा, 4000 करवाए तो कितना मिलेगा. तो वैसे तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट बहुत होते हैं, मैंने 4 पॉइंट कंसिडर कर लिए. ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ के ऊपर कितना मिलेगा. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर किया 1000 रुपीज़, तो 1000 इंटू रेट 10.5 अपॉन 100 इंटू टाइम 1 ईयर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये 1000 कट गया, यू विल गेट 105. तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 105. ठीक है, अगर 2000 होता फिर कितना आता सिंपल इंटरेस्ट, देख लेते हैं. 2000 इंटू 10.5 इंटू 1 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो, ये 0 से 0 कट गई, ये आ गया 10 × 5 = 10, 210 आ गया. सिंपल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डबल हो गया, है ना. अगर 3000 है तो इसका 3 गुना हो जाएगा और क्या, है ना. तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 3 में कितना आएगा ये आप कैलकुलेट आप करके दिखाओगे. तो 0 से 0 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 315 आ गया. 4 में इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 420 आ गया. तो बस अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ये लिख के ग्राफ, चलो इसको रेस कर ही देते हैं, ये समझ आ गया ना. इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारे पास टेबल तो बन गया. नाउ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं की. तो यहाँ पे लिख लो 1000, 2000, 3000 एंड 4000, बाकी आप बाद में लिख लेना. ये टेबल चल रहा है 105 का, तो आप ये 105 का टेबल चला लो, 210, इससे आपका ग्राफ जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगा, है ना. इजी है ना, तो बस आपने पॉइंट लोकेट करने हैं. ये इसके ऊपर ये रहा, इसके ऊपर ये रहा, इसके ऊपर ये रहा और इसके ऊपर ये रहा. अब इसको ज्वाइन कर दो, ये ग्राफ बन गया, ये 0 से पास हो जाएगा. ठीक है, ये जरूर लिखना है कि अलॉन्ग वाई एक्सिस स्केल लिखना है आपने, जैसे मैंने पहले लिखा था ना, तो स्केल लिखना है अलॉन्ग वाई एक्सिस इट इज सिंपल इंटरेस्ट. तो 1 unit = 105 rupees सिंपल इंटरेस्ट, और इधर क्या है ये सम डिपॉजिट, क्या कितना डिपॉजिट कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट होगी. ठीक है, अब इसके बाद इसके सब क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द सीनियर सिटीजन, अगर कहता है एनुअल इंटरेस्ट, एक साल का जो इंटरेस्ट है, अगर वो उसको 5000 मिल रहा है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 5000 है, फिर मेरे पास, अच्छा नहीं सॉरी, अगर वो 5000 इन्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन ये है, अगर वो 5000 इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट कितना आएगा, ये है क्वेश्चन. ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो 5000 के ऊपर कितना आएगा, इसका 5 times कर लो, तो इसका 5 times कर लो, ये हो जाएगा 525, आंसर आ गया. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर.
इज द एनुअल योर डिपॉजिट मनी इज 5000, इन्वेस्टमेंट इज 5000, देन योर सिंपल इंटरेस्ट वुड बी 525। या कैलकुलेट करके दिखा दोगे ना, मल्टीप्लाई करके दिखा दो। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 2625 है, सिंपल इंटरेस्ट 2625 है, तो ये कितना होगा? तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में ये पुट करोगे, यू नो ना फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 2025, प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा है द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सीनियर सिटीजन टू मेक द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ड्यू। तो ये वाली चीज आपने फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10.5, ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया, टाइम तो 1 है ही है। अब इसको सॉल्व कर लो और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे सिमिलरली 7th और 8th क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करो, ये भी सेम है। और 9th क्वेश्चन में भी हमें ये ग्राफ गिवन है, बस हमने इसका फ्रॉम द ग्राफ से ही आंसर देना है कि अगर नंबर ऑफ पाउंड इज इक्वल टू 20 ग्राम है, नंबर ऑफ पाउंड इज इक्वल टू 20 केजी, ठीक है, ये अगर नंबर ऑफ पाउंड इक्वल टू 20 किलोग्राम है, 20 केजी है, तो हैंस हाउ मेनी पाउंड्स मेक 1 किलोग्राम, तो एक किलोग्राम में कितने पाउंड हो गए। तो ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, है ना, आप वैसे तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, बट हमने ये ग्राफ से ही बताना है, ग्राफ से लोकेट करके बताना है। ये देखिए हमें गिवन है नंबर ऑफ पाउंड्स इज इक्वल टू 20 केजी, यानी कि अगर एक पाउंड 20 केजी के इक्वल है ना, तो एक किलोग्राम में कितने पाउंड हो गए। तो ये तो सिंपली डिवाइड ही कर लो आप, यहाँ पे 1 की वैल्यू है, ये रहा 5, है ना, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, ग्राफ से तो पता नहीं लगेगा, आप इसको यूनिटरी मेथड से कर लो। ओके, तो ये देखिए बच्चे, ये यूनिटरी मेथड से कर लिया मैंने, एज इट इज गिवन फ्रॉम द ग्राफ कि 20 केजी जो है वो 44 पाउंड के इक्वल है। ये देखिए ग्राफ से पता लग रहा है ना हमें, 20 किलो 44 पाउंड के इक्वल है, तो 1 के किसके इक्वल होगा, 44 डिवाइडेड बाय 20, इसको डिवाइड कर लो, यू विल गेट 2.2 पाउंड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में है, इफ द स्मॉल गर्ल वेट 22 पाउंड, तो व्हाट इज द वेट इन 10 इन किलोग्राम। तो ग्राफ से हमें पता लग रहा है 22 के सामने कौन सा आ रहा है, ये 22 है, नीचे देखो कितने केजी बन रहा है, इट इज 10 केजी, तो इसका आंसर आ गया 10 केजी, है ना। तो अगर 15 केजी है तो कितना आ रहा है, 15 में देख लो, 15 में इसकी वैल्यू आ रही है, 15 केजी में इसकी कितने पाउंड की, कितने पाउंड आ रहा है, 33, तो इसका आंसर आ गया 33, थर्ड का आंसर। तो बस ऐसे ही करना है जी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन भी बच्चे ऐसे ही है, सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट का ग्राफ, सॉरी जो टेबल है आपको गिवन है, बस आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, बस आपने ग्राफ ही ड्रॉ करना है। ओके बच्चे, सो थैंक यू एवरीवन, इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, थैंक यू।